और आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ के साथ कई बीजेपी नेताओं ने कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी है। जिन्होंने संस्कृत और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का जो संकल्प लिया था, जिसे बाद में और लोगों ने उसको बढ़ाने का काम किया और आज देश आज़ाद है। आज उनके सपनों को साकार करने के लिए एक नई पीढ़ी आई है और वो पीढ़ी यहाँ की संस्कृति की सभ्यता और संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कैसे हो, इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि झारखंड की अपनी एक संस्कृति है और इन्होंने एक धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया था, वो बिरसाइयत। तो बिरसाइयत का अर्थ ही था कि पुरानी सनातन जो हमारे धर्म है, संस्कृति है, उसी को आगे बढ़ाने की परंपरा, उसको आज हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। इन्होंने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया था, वो उनके पीछे कोई उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस, भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक, और हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए, उलगुलान करते हुए जो ट्राइबल भैया बहन है, उनको एक सही रास्ता, एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी लकीर खींची। और भगवान बिरसा मुंडा जहाँ एक समाज सुधारक होने के नाते जो ट्राइबल भैया बहन है उनमें आत्मविश्वास और उनमें देश के प्रति समर्पण का भाव और एक अच्छे इंसान की जिंदगी कैसे जिए, एक उन्होंने एक पूरे देश को संदेश देने का काम किया है। आज भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस पर हम सब तो आज यही कहें, कितनी बड़ी महामारी आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है, कि भगवान बिरसा मुंडा आप आशीर्वाद दो जाओ इस पृथ्वी से, इस कोरोना जैसी भयानक बीमारी दूर हो। आज यही आके हम सब ने बिरसा मुंडा से ये प्रार्थना की और झारखंड और तेजी से आगे बढ़े, झारखंड